तो गाइज आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो गाइज मैं यहीं ठहरा हुआ था कल रात को। ये मंदिर है और बहुत ही भव्य शानदार मंदिर है। वैसे तो इस मंदिर को काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ से निकलूँगा क्योंकि ये और भगवान नंदी हैं। और ये मंदिर का कुछ लोकेशन रहा और ये नंदी महाराज हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ से यहीं मैं रुका हुआ था। और ये जो भोलेनाथ हैं, वहाँ भोलेनाथ की मंदिर है भगवान शिव की। गाइस थोड़ा सा मेरा आँख में प्रॉब्लम हो गया है, धूप की वजह से जो है ना आँख में थोड़ा सा दर्द महसूस और थोड़ा वैसा दिख रहा होगा आपको। और ये कुछ मंदिर का परिसर है, बहुत ही अच्छा भव्य और शानदार मंदिर है। और यहीं मैं रुका हुआ था, खाना पीना खा के आया था। महाराज जी बोल रहे थे खाना पीना खाने के लिए, लेकिन मैं खा के आया था इसलिए नहीं खाया। और वो मेरा साइकिल है, देख रहे हैं साइकिल रेडी हो चुका है। अब हम निकलेंगे और वहाँ पे भी एक शेषनाग जी हैं, विष्णु और माता लक्ष्मी जी, और इस तरह का ये कुछ मंदिर है। चलिए अब निकलते हैं, निकलने का समय आ गया है। चलिए बने रहिए वीडियो पे। थैंक यू। गाइज सुबह सुबह सतना का सीन देख सकते हैं। और ये हाईवे है और यही हाईवे देख रहा मैं, और थोड़ा सा आपको आगे का भी दिखा रहा हूँ। सुन सा अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रहा हूँ मैहर, इधर से ही मैहर जाऊँगा। और यहाँ से 44 किलोमीटर दूर है मैहर। और चलिए देखते आज पहुंच जाएंगे। तो बैक कैमरे से कुछ सीन दिखाता हूं आपको सतना। जो अभी मैं पीछे रुका हुआ था 3 किलोमीटर पीछे, और अभी मस्त लग रहा है क्योंकि गाड़ियां भी नहीं चल रहे हैं, हल्ला भी नहीं हो रहा। चलिए बैक कैमरे। और ये कुछ सीन रहा, देख रहे हो सतना का ये मेन हाईवे है और मस्त आराम से जा रहे हैं। चलिए गाइस जैसे ही सफ़र बढ़ता है अपडेट कराते रहेंगे। गाइस अभी मैं ये चौराहे पे हूँ और यहाँ से थोड़ा सा दूर आगे जाके टर्निंग होगी मैहर रोड। और ये भाई साहब मिले, क्या नाम है? प्रिंस। और हो गया, अच्छी बात है, हमारे सब्सक्राइबर फॉलो करेंगे बोल रहे हैं। और चलते हैं भाई। और यहाँ से कितनी दूर है टर्निंग पर? आपको मजियर बाईपास जाना है तो आप यहाँ से निकल जाइएगा ना। तो भाई बता रहे हैं शॉर्टकट रास्ता, उधर जाएंगे बाईपास तो 5 किलोमीटर दूर है गाइस, तो वहाँ नहीं जाना है हमें, शॉर्टकट रोड से निकल लेना है क्योंकि टाइम भी उतना नहीं है और थोड़ा निकलना है। चलिए भाई, थैंक यू।